नमस्कार साथियों आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत मैं हूं एकेस एस राजवीर तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी अगर आप देख रहे हैं तो देखिए जरूर और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि आपने टाइटल देखा है मैं आप सभी को पोएट लॉरिएट्स ऑल द पोएट लॉरिएट्स जो भी रहे तो उनके बारे में बताने वाला हूं और खास करके उनके नाम आ, मैं ये क्यों बता रहा हूं ये भी मैं आपको बता दू एग्जाम में आपके यूजी इन नेट एग्जाम इन अदर एग्जाम्स इज इट टीजीटी पीजीटी और सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम इन ऑल दीज एग्जाम्स दीज नेम्स आर मच इंपॉर्टेंट सो लेट्स बिगिन विद द सेशन और आइए वन बाई वन दोस्तों हम लोग कवरअप कर लेते हैं फटाफट और डन करते हैं आज के सेशन को तो देखिए सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन कौन से पोएट लॉरिएट्स रहे बिगिनिंग वेरी फर्स्ट नेम दोस्तों जो पोएट लॉरिएट्स थे तो जिनमें से जो सबसे पहले पोएट लॉरिएट और जिन्हें हम ऑफिशियल बोलते हैं ऑफिशियल जॉन ड्राइडन गाइस है ना यस ऑफिशियल पोएट लॉरिएट जॉन ड्राइडन एंड देन वी हैव अनादर वन पोएट पोएट लॉरिएट देखिए ये जो जॉन ड्राइडन थे 1668 से 89 के टाइम पीरियड तक पोएट लॉरिएट रहे कब से 1668 से लेकर के 89 के टाइम पीरियड में आपको जॉन ड्राइडेन ये नाम याद रखना है और ये याद रखना है फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट फर्स्ट पोएट लॉरिएट या बोले फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ये पहले ऑफिशियल पोएट लॉरिएट आपके कहलाते हैं इसके बाद दोस्तों दूसरा नाम है टॉमस सैडवेल का थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट है तो 89 में जब फिर ये बेसिकली इसके बाद जब ये दूसरे पोएट लॉरिएट होते हैं चेंज हो जाते हैं टॉमस सैडवेल टॉमस सैडवेल 1689 से लेकर के 92 1692 के टाइम पीरियड तक टॉमस सैडवेल रहे अगर ईयर नहीं भी याद है तो थोड़ा चलेगा बट एटलीस्ट पोएट लॉरिएट्स आपको जरूर याद रहे देन वी हैव नोहम नोहम टेट टेट को कैसे याद रखते हैं बेसिकली नोहम टेट हैप्पी एंडिंग किंग लियर की है ना किंग लियर की हैप्पी एंडिंग के लिए हम लोग इनको जानते हैं नोहम टेट को 1692 से लेकर के 1715 के टाइम पीरियड तक पोएट लॉरिएट रहे ये इंग्लैंड के यूके के बेसिकली है ना यूके मतलब समझ रहे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है यूनाइटेड किंगडम देन वी है निकोलस रो निकोलस रो ये सेवनटीन फिफ्टीन से एटीन यानी कि तीन साल के लिए ही फिफ्टीन से एटीन तक के लिए देन लॉरेंस यूसडन अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉरेंस यूसडन एट सेवनटीन एटीन से लेकर के थर्टी के टाइम पीरियड तक लॉरेंस यूसडन जो है पोएट लॉरिएट रहे देन सेवनटीन थर्टी से लेकर के फिफ्टी सेवन पोएट लॉरिएट ऑफ यू के एंड सेवनटीन फिफ्टी सेवन से लेकर के 85 के टाइम पीरियड तक आपके एक दूसरे पोएट लॉरिएट आए और जिनका नाम है बेसिकली विलियम वाइट हैड एक्चुअली विलियम वाइट हेड ने ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है विलियम वाइट हैड जिन्होंने 1757 फिफ्टी में पोएट लॉरिएट एक्सेप्ट की और एटी तक ये पोएट तो इन इन्होंने कब ये अपोजिशन एक्सेप्ट की थी सो so, एक्सेप्टेंस जो थी वो गाइस टॉमस ग्रे टॉमस ग्रे का नाम सुना होगा जिन्होंने लिखा एक वर्क एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड टॉमस ग्रे सो ऑन रिफ्यूजल ऑफ टॉमस ग्रे है ना मैं यहां पर थोड़ा क्लियर क्लियर लिख देता हूं क्योंकि शायद हो सकता है डिम दिखाई दे रहा हो आपको टॉमस ग्रे टॉमस ग्रे के रिफ्यूज करने के बाद है ना इन्होंने इस पोजिशन को लेने से रिफ्यूज कर दिया मना कर दिया कि मुझे पोए नहीं बनना सो देन विलियम हेड बने देन लेटर ऑन टॉमस वॉर्टन 1785 से लेकर के 90 के टाइम पीरियड तक टॉमस वॉर्टन रहे है ना नेक्स्ट वन ये जो देखिए जिसने भी रिफ्यूजल किया उनका नाम जरूर याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए देन वी हैव गाइज हेनरी जेम्स पाई 1790 से लेकर के 1813 के टाइम पीरियड तक हेनरी जेम्स पाए ये थे पोएट लॉरिएट के एंड देन 1813 से 1843 ये बेसिकली रॉबर्ट सते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट या ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टेट भी इंपॉर्टेंट है है ना इनका भी नाम आपको याद रखना होगा कॉली सिबर भी इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रख लीजिए देन इसके बाद आप रॉबर्ट सदे को याद रख लीजिए थॉमस ग्रे के एक्सेप्टेंस के बाद विलियम व्हाइट ने ये पोजीशन दी ये भी थोड़ी याद रख सकते हैं ठीक है देन ऑन द रिफ्यूजल ऑफ वॉल्टर स्कॉट वॉल्टर स्कॉट को तो आप जानते ही होंगे वॉल्टर स्कॉट द नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल है ना वॉल्टर स्कॉट के रिफ्यूजल के बाद रॉबर्ट सदे ने यह पोजिशन एक्सेप्ट की थी एंड आफ्टर रॉबर्ट सदे ये लाइन से तीन चार लॉरियट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से विलियम वर्ड्सवर्थ है ना विलियम वर्ड्सवर्थ 1743 जैसे ही रॉबर्ट सदे का जो है टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद 1843 के टाइम पीरियड में विलियम ने ये पोजीशन ली अच्छा इनके पीछे रीजन है देखिए या तो पोएट लॉरिएट्स ने पोरेट पोएट लॉरिएटसिप इनकी खत्म हो गई या तो इनकी डेथ हो गई ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से किसी का टाइम पीरियड कम नजर आएगा किसी का टाइम पीरियड ज्यादा लेकिन अभी मैं आपको लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कुछ चेंजेस हुए हैं पोएट लॉरियटिप में सो प्लीज विलियम वर्ट्सवर्थ सेवन एटीन से एटीन के टाइम पीरियड तक बहुत अच्छे से सब बच्चों को याद रहता होगा

1850 से लेकर के 92 के टाइम पीरियड तक 1892 के टाइम पीरियड तक पोएट लॉरिएट रहे अगर आप रफली कहें तो 42 ईयर होते हैं गाइस 42 ईयर इधर अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहें तो 7 ईयर यहां पर रहे है ना बिल्कुल 7 ईयर यहां पर रहे अल्फ्रेड आस्टिन इसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद अल्फ्रेड आस्टिन 1896 से 1913 के टाइम पीरियड तक ये फिर पोएट लॉरिएट रहे लेकिन इन बिटवीन जो टाइम पीरियड ये था ये वैकेंट रहा लॉरियट की जो पोजीशन थी वो वैकेंट रही देन दोस्तों इसके बाद आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट नेम प्लीज देख लीजिए जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन एंड अल्फ्रेड ऑस्टिन के बाद रॉबर्ट ब्रिज रॉबर्ट ब्रिज ही बिकम पोएट लॉरिएट इन दर नाइनटीन थर्टीन एंड रिमेन टिल नाइनटीन थर्टी थर्टीन से थर्टी तक के टाइम पीरियड तक

सो so, ये 1968 के टाइम पीरियड में ये बने एंड 72 तक रिमेन रहे है ना और इसके बाद जॉन बेट्समन 17 uh, 1972 से लेकर के 84 के टाइम पीरियड तक एंड देन टेड ह्यू टेड ह्यू सो 1984 से 98 तक के टाइम पीरियड तक टेड ह्यूग रहे आपके पोएट लॉरिएट यूके के देन 1999 से 2009 के टाइम पीरियड तक एंट्रू मोशन रहे यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि अब जो है 1999 से लेकर के 2009 यहां पर आपने एक चीज आप अगर आप देखें तो टेन ईयर समझ में आ रहा होगा है ना अब ये जो पोजीशन है ये टेन ईयर के लिए डिसाइड कर दी गई है कि जो भी पोएट लॉरिएट होगा वो टेन ईयर के लिए होगा एंड आफ्टर दैट अनादर वन पोएट लॉरिएट वो बनेगा पोएट लॉरिएट ठीक है ग्रेट सो एंड्रयू मोशन एंड्रयू मोशन जो है ये अदर पोएट लॉरिएट नेक्स्ट पोएट लॉरिएट आपके गाइस बन गए इधर देखिए एंड्रयू मोशन है ना यस yes. 1999 से 2009 के टाइम पीरियड और 2009 से देखिए ये देखिए दस साल है ना 2009 टू 2019 कैरल एंड डफी वैसे कैरल एंड डफी की मैं बातचीत करूं तो फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरिएट इनको हम लोग ये स्कॉटिस है स्कॉटिस में अगर मैं कहूं तो फर्स्ट जो है ये फीमेल पोएट लॉरिएट है है ना फर्स्ट फीमे फीमेल पोएट लॉरिएट और बात अगर मैं कहूं सो गे पोएट लॉरिएट में से एक मानी जाती है कैरल एंड डफी ओके हाँ गे पोएट्स में से भी दोस्तों एलजीबीटी का जो वो चलता है ना कॉन्सेप्ट तो उनमें से एक मानी जाती है कैरल एंड डफी और अभी के रिसेंट के जो पोएट लॉरिएट है वो कौन है साइमन अर्मिटेज साइमन अर्मिटेज 2019 में बने हैं और इनका टाइम पीरियड कब तक रहेगा देखिए अगर वो जिंदा है पोएट तो वो 10 ईयर के लिए रहेगा सो so, 2019 में ये बने अब मतलब है कि 2029 के टाइम पीरियड तक आपके ये रिमेन्ड रहेंगे इसके बाद

है ना और ऐसे ही क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के तमाम सारे एग्जाम्स में जैसे आप देखें जॉन ड्राइडन इंपॉर्टेंट पोएट लॉरिएट हैं जिन पर ये मैंने क्लिक किया है आप नोट no डाउन कर सकते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे तो दोस्तों ये जो क्लास थी आपकी बेसिकली तो ये क्लास बेस्ड थी पोएट लॉरिएट है ना बाकी आपको कैसी लगी ये क्लास डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जानकारी आ जाएगी साथ में अगर आप एस्पिरेंट हैं प्रिपेयरिंग फॉर यूजी तो देन आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है अभी आपके लिए ये जो चांस है ऑफ फेबरी तक के लिए है और कहां पर है ऑन लर्निंग अनडमी दर्निंग एप लर्निंग ऐप पर आप मेरे आपनेट कोर्सेज को ले सकते हैं और यूजी सीनेट कोर्सेज में अगर आप लेते हैं तो ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फ्लैट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट कोड होगा दोस्तों आपके लिए ए के एस राजवीर ये कोड यूज करना बेहद जरूरी है बिना इस कोड के बिल्कुल भी कोर्स लेना नहीं है इसी कोड को सिर्फ यूज करके ही मेरा कोर्स मिलेगा आपको ठीक है इंग्लिश वाला सो so दैट साथ में टू मंथ तो फ्री मिल जाएगा और अगर आप ट्वेल्व मंथ का लेंगे तो फोर मंथ आपको फ्री मिल जाएगा चार्जेस दोस्तों आपके लिए स्क्रीन में दिए है ना? ये देखिए इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज आपको पे करना है फोर्टीन थाउजेंड जीरो थर्टी सिक्स रुपीज आपको वन ईयर के लिए पे करना है और अभी मेरी क्लास आज ही यानी आज की डेट वैलेंटाइन डे है वैसे भी तो आज की मेरी जो क्लास है तो वो अन अनअकेडमी पर होगी कितने बजे तो अन अकेडमी पर एट थर्टी पर मेरी क्लास होगी प्रैक्टिस सेशन होगा फॉर ऑल द यूजीस इन एट एंड सेट एस्पिरेंट सो थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा अगली क्लास में आपसे मिलते हैं